हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में 8th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, अप्रैल मई 2022 सेशन का। तो अगर आप भी रीटोटलिंग या रिवेलिंग में डालना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है CSVTO का, उसके बाद डिजीवर्सिटी पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो है, आप चाहें तो जैसे अगर लॉगिन करना चाहते हैं लॉगिन पे क्लिक करें, या फिर अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। साथ ही जैसे अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी यहां से फिल कर सकते हैं। अब जैसे कोई डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहां पर नीचे देख सकते हो ऑप्शन दिए गए हैं अप्लाई के, यहां पर जा करके जो है आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन में जैसे आप आएंगे स्टूडेंट लॉगिन में आप जा कर के लॉगिन करेंगे, और अगर आप जैसे रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ पर आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं खुद को। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन में। यहाँ पर आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, साथ ही आपको जो अपना कैप्चा है इसे फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें फिल करके आपको लॉगिन कर लेनी है। तो चलिए लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने में पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर इसे आपको कट कर लेना है। वो प्रिंट पेज जो है, प्रिंट करने का तरीका बताया गया था उसमें इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं एक हेल्प डेस्क सेक्शन है और अप्लाई फॉर RTRV यहाँ लिखा हुआ है। तो सिंपली हमें अप्लाई फॉर RTRV वाले जो टैब है इस पर क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। अब आपको जो है यहाँ पर आपका डिटेल्स आपको शो हो जाएगा इस तरीके से। इसको स्क्रॉल करना है, नीचे में आपको जो है कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने पड़ेंगी तो उसे भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए नीचे हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन का टाइप आपको चूज़ करना है, जैसे रीटोटलिंग रिवीलिंग यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा जब आप इस चीज़ को क्लिक करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर आपको अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी चेक कर लेना है करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे रीटोटलिंग रिवीलिंग को क्लिक कर देंगे। एग्ज़ाम सेशन आपको ये भी चूज़ कर लेना है, अप्रैल मई 2022 जो कि हाल ही में रिज़ल्ट आया हुआ है। अब यहाँ पर आपको अपना जो सेमेस्टर है उसको भी चूज़ करना है, 8th सेमेस्टर। आपको जो एग्ज़ाम टाइप है, रेगुलर है, बैकलॉग है, वो सारी चीज़ें भी आपको सेलेक्ट करनी है। स्टार्ट डेट आपका जो एग्ज़ाम जो रिवेलिंग के लिए रिटोटलिंग के लिए है वो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके बाद सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने में जो डिटेल है वो खुल करके आ जाएगी। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं जिस पर भी आप रिटोटलिंग या रिवेलिंग करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, तो स्क्रॉल करेंगे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट रिटोटलिंग और सेलेक्ट रिवेलिंग करके दिया हुआ है 3rd और 4th कॉलम में। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए करना है आप इसे कर सकते हैं, चाहे रिटोटलिंग के लिए हो या फिर रिवेलिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे जितना भी आप जैसे अगर रिटोटलिंग कर रहे हो तो पर सब्जेक्ट आपको 70 रुपया लगेगा, और अगर रिवेलिंग के लिए डाल रहे हो आरवी के लिए तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट 400 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिया गया है उस डिक्लेरेशन को भी आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप डिक्लेरेशन पढ़ना चाहते हो तो डिक्लेरेशन भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपका नाम डेट भी दिया गया है जिस दिन आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अभी आपको जो है नेक्स्ट पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर आपको अपने जो भी आपके पास मीडियम है जैसे कि आपका कार्ड पेमेंट हो गया या फिर UPI या फिर नेट बैंकिंग, इस तरीके से जो है आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको रीटोटलिंग करना है तो पर सब्जेक्ट आपको 70 रुपये देने हैं, और अगर आप रिवेलिंग के लिए डाल रहे हैं तो आपको पर सब्जेक्ट 400 रुपये देने पड़ेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा ये आपको एक्नॉलेजमेंट वाले जो पेज है CSVTO का उस पर लेकर के चले जाएगा, जहाँ पर आपने जो अप्लाई किया है उसके ट्रांजेक्शन डिटेल और जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है वो डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप इसका PDF फॉर्म में भी सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना रिटोटलिंग के लिए या रिवेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। RT के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इसके नीचे में Y लिखाएगा, और अगर RV के लिए करेंगे तो इसके नीचे में Y लिखाएगा। तो ये जो Y है इसका मतलब यस है और N का मतलब नो है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल आपको देखने को मिलेगा, आप इसे प्रिंट करके सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस रिटोटलिंग या फिर रिवेलिंग का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए गुड बाय।